गुड मॉर्निंग। आज आते हैं चैप्टर फोर पर, कार्बोनेट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में पहला एलिमेंट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन की स्टडी करें। कार्बन सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन 6, और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कार्बन में, क्योंकि कार्बन एटम न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक मास कंफर्म कर लें, एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक मास मीन सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो 12। फिर आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। तो इसमें 2 शेल्स बनेंगी, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे, 2.4। इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी। एंड ये जो 4 वैलेंसी है इसे हम टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो ये वर्ड हमको अच्छे से ध्यान रखना है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। जैसे कहीं 1 होता है तो 1 को हम मोनो लिखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनो लिखा गया है। कहीं 2 लिखा होता है तो इसे हम पढ़ते हैं डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ये CO2। यहाँ एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनो बोला, यहाँ 2 ऑक्सीजन है इसलिए हम इसे डाई पढ़ते हैं। कहीं 3 आते हैं तो उसे हम ट्राई बोलेंगे, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड इसलिए 3 है। कहीं यदि 4 आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। कहीं 5 आ जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पेंटा। तो इस तरह से कुछ प्रीफिक्स है, पेंटा मींस N2O5 डायनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो पेंटा मींस 5। तो ये कुछ चीजें भी आपने ध्यान रखना है इसमें। सो अभी हम टेट्रावैलेंसी पे, टेट्रा मींस 4 होता है। यही हम लेके चले इसके लेविस सिंबल पर। लेविस सिंबल भी आपने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। लेविस सिंबल में हम क्या करते हैं, एलिमेंट का सिंबल बनाएंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको डॉट के फॉर्म में शो कर देंगे। तो इस तरह से इसका ये लेविस सिंबल बन गया। एंड लेविस सिंबल का ही एक और नेम है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसी बेसिस पे हम कंफर्म करें तो जो कार्बन है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 टाइप लिए थे। फर्स्ट टाइप आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड से मीनिंग क्या है पहले ये कंफर्म करें। कोवेलेंट बॉन्ड से मीनिंग है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और शेयरिंग किस तरह से होगी उसको भी अभी हम कंफर्म करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, मतलब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। 2 एटम्स इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहां ले, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, पहला एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अभी जो H2 मॉलिक्यूल है, इस H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1। तो इसका लेविस सिंबल बनाएंगे और इसका लेविस सिंबल ये, एक जगह डॉट रखा तो एक जगह क्रॉस रखा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये डॉट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए और ये क्रॉस डिफरेंशिएट करना है इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लिए दूसरे एटम के लिए। अब जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कुछ इस तरह से कर रहा है, ये एक ऐसा हमने सर्कल बना लिया,
ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक और सर्कल हमने बना लिया, ये सर्कल बना लिया। इस सर्कल में देखिए इसमें भी टू इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही एलिमेंट के लिए काउंट किए जा रहे हैं। और इस तरह से हाइड्रोजन का डुप्लेक्ट ये कंप्लीट हो गया है। डुप्लेक्ट से मीनिंग क्या है? डुप्लेक्ट से मीनिंग है टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर शेल, टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अब हाइड्रोजन एक ही शेल है, एंड जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टू। तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्ट पूरा हो गया और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्ट पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ एच टू मॉलिक्यूल लिया। इस फॉर्मेशन को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एच सिंगल बॉन्ड एच, और उसको हम ऐसा भी सिंपली बना सकते हैं, एच इसका वन इलेक्ट्रॉन और इसका वन इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्डिंग बन गई, ऐसा भी हम बना सकते हैं इसको। कुछ और एग्जांपल्स ले लें इसी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल, इसको अब हम कैसे फॉर्म करें? ClCl, टू क्लोरीन एटम्स, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटरमोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेविस सिंबल बना है 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी सिंबल बना है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने ले लिए। और अब शेयरिंग करा रहे हैं, शेयरिंग करा ले तो बेस्ट, ये सर्कल लगा दिए। इस सर्कल में देखें 7 and 1 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही एक सर्कल हमने ये बना लिया, इसमें भी देखें ये हमारे पास 7 है and ये 1 8, तो दोनों का ही ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट नाम से कंफर्म है 8। एक्चुअली जो थर्ड शेल होती है, थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, वो सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। या फिर हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये दूसरे सीएल के भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लें एंड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, हम O2 मॉलिक्यूल का किस तरह से फॉर्मेशन करें? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी तक हमने जो दो एग्जांपल देखे थे उसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, बट अब जो एग्जांपल है उसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल ये किस तरह से फॉर्म करें? ऑक्सीजन एटम्स, 8 एटॉमिक नंबर, 8 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 26 26, आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इसका लेविस सिंबल कुछ इस तरह से होगा। इसका लेविस सिंबल लें तो ये कुछ ऐसा हम देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में होने चाहिए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन होने चाहिए, तभी तो ये डायरेक्शन मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा ना हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ गए और ये इस डायरेक्शन में है, तो देखिए डायरेक्शन अलग अलग है तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। सो इसी तरह से आपने इसको शो करना है। और अब शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग देखिए किस तरह से है, ये एक सर्कल हमने बनाया। अब इस ऑक्सीजन में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 7 8। ठीक वैसे ही ये हमने सर्कल लगा लिया, इसमें भी आप देखिए 6 7 8 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। एंड ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। एंड इसमें देखिए 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे? इसको हम कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई,
इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखें 4 5 6 7 8, यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और करके हम इसको सिंपली ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसा भी लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड है। अभी तक जो दोनों एग्जांपल देखे थे वो सिंगल बॉन्ड वाले थे, बट इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, सही। फोर्थ एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ये कैसे होगा? N2 के लिए 2 नाइट्रोजन एटम्स, फर्स्ट एटॉमिक नंबर 7, सेकंड के लिए 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 5, इसमें भी चलेंगे तो 2 5, आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेविस सिंबल नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, अलग अलग हमने ले ली। अब बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने एक सर्कल लगा दिया, इसमें आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 3 6 7 8, सिमिलरली ऐसा ही एक सर्कल हमने ये लगा लिया, इसमें देखें 3 3 6 7 8, 8 8 हो गया हमारा। तो यहां भी क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम इसको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कराएंगे कुछ इस तरह से, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये और लिखा हुआ है N ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह से ये फोर्थ एग्जांपल। अभी तक अपन पर्टिकुलर एलिमेंटल फॉर्म में ही मॉलिक्यूल बना रहे थे, अब कंपाउंड फॉर्म में मॉलिक्यूल बना देते हैं। कंपाउंड फॉर्म से मीनिंग लाइक वाटर, और फिर कार्बन के कंपाउंड बनाए, मींस फिफ्थ एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन इस तरह से होगा, ये हमने लिया ऑक्सीजन सेंटर में, एंड लेफ्ट साइड एक हाइड्रोजन, राइट साइड एक हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सभी के ले लें, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन के लिए 1 2 6, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, इसमें 1 ही है, इसमें भी 1 है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखें ये हाइड्रोजन का डुप्लेक्ट यहां पूरा हो गया, ठीक वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्ट पूरा हो गया, एंड जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पूरे। सो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, बाकी हाइड्रोजन का डुप्लेक्ट पूरा हुआ, इस तरह से ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसको हम H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर O टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हमने शो कर दी लाइक दिस, एंड हाइड्रोजन इसका 1, हाइड्रोजन इसका 1, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा भी हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, कार्बन का कंपाउंड मीथेन, इसको हम कैसे फॉर्म करें? 6, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4, सभी जानते ही हैं मीथेन गैस होती है, इसको मार्श गैस भी कहते हैं, मडी वाटर में ये मिलती है मार्श गैस मीथेन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, आउटर मोस्ट शेल को हम पॉइंट आउट कर लें, इसमें चले तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेविस सिंबल ये होगा, हाइड्रोजन लेविस सिंबल ये होगा, बट CH4 के लिए हम कुछ इस टाइप से ले लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ चलें तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, चारों हाइड्रोजन को हमने कार्बन के सराउंडेड शो कर दिया,
पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर ले, टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हाइड्रोजन पूरी तरह से सेटिस्फाई है क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया है। सो इस तरह से ये मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसको हम और करके ऐसा भी बना सकते हैं, लेविस सिंबल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन वन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और करके हम इसको सिंपली सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड्स इस मीथेन मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। थैंक यू।